हेलो दोस्तों, आज हम आपको विज्ञान के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो काफ़ी रोचक और दिलचस्प है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका रहस्य आज भी बरकरार है। इस विषय पर जितना रिसर्च किया जाता है उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती जाती है। इस विषय को लोग सीखते और खोजते हैं अपने दिमाग को परखने और नए रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। लेकिन कभी कभी हम विभिन्न विचारों और सोच में फंस जाते हैं और अपने मन को इसी उलझन की स्थिति से निकलने के लिए हमें कुछ अलग सोचने की ज़रूरत होती है। हवाई द्वीप हर साल अलास्का के करीब 7.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। यह टेक्टोनिक प्लेटों के कारण होता है जो निरंतर गति में होती है, जो उनके नीचे उठने और गिरने वाली धाराओं द्वारा संचालित होती है। हवाई प्रशांत प्लेट के केंद्र में रहता है और हर साल इस निरंतर गति के कारण हवाई धीरे धीरे और लगातार उत्तरी मंच पर वापस अलास्का की ओर बढ़ रहा है। धरती पर ऐसे रोचक हैं जिन पर विश्वास करना असंभव हो जाता है। बिना सिर के कॉकरोच एक सप्ताह तक जीवित रह सकता है। कॉकरोच अपने मेहनत के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनका परिसंचरण तंत्र खुला होता है, इसलिए वे अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। वे सांस लेने के लिए हमारी तरह मुंह या नाक पर निर्भर नहीं होते, इसीलिए कॉकरोच एक सप्ताह या इससे अधिक दिनों तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच केवल इसलिए मरता है क्योंकि मुंह के बिना वो पानी नहीं पी सकता और प्यास से मर जाता है। क्या आप जानते हैं कि पानी में नमक डालने पर पानी का स्तर नीचा हो जाता है? हाँ, ये सच है। विज्ञान के अनुसार जब एक गिलास पानी में मुट्ठी भर नमक डाला जाता है तो गिलास में पानी का आयतन 2% कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी के विलायक अणु विखंडित आयन के आसपास के क्षेत्र में अधिक सुव्यवस्थित हो जाते हैं। पानी के संपर्क में आने पर कुछ धातुओं में, क्या आपको पता है कि DNA एक अग्निरोधी भी है? रिसर्च में पता चला है कि जब DNA से सूती कपड़ों की कोटिंग की जाती है तो DNA में पाए जाने वाले अनुवंशिकता संबंधी तत्व कपड़े की ज्वलनशीलता को कम कर देते हैं। इसका कारण DNA में मौजूद फास्फेट है जो गर्म होने पर फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है, जो पानी को प्रतिस्थापित कर एक अग्निरोधी पदार्थ की तरह कार्य करता है। वास्तव में DNA में मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया का उत्पादन करता है जो कि दहन को रोकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोते समय हमें गंध यानी स्मेल का पता नहीं चल पाता? ब्राउन विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने 2004 में 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 3 स्वस्थ पुरुषों और 3 स्वस्थ महिलाओं के ऊपर परीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि सभी लोग तेज शोर के कारण एक झटके में सो गए, लेकिन गंध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिसमें यह साबित होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चलता। चमकती है बिजली और गरजते हैं बादल। बारिश के दौरान बादल में उपस्थित पानी के छोटे छोटे कण वायु की रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर घनात्मक आवेश आ जाता है और कुछ ऋणात्मक आवेशित बादल के आसपास पहुंचता है, तो उनके बीच में लाखों वोल्ट का विद्युत विभवांतर पैदा हो जाता है। इतने अधिक विभवांतर के कारण इनके बीच की वायु में विद्युत धारा बहने लगती है। इससे ही प्रकाश की एक रेखा पैदा होती है, उसे हम बिजली का चमकना कहते हैं। विद्युत धारा के कारण बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है जिससे वायु एकदम फैल जाती है। अचानक फैलाव के कारण वायु के असंख्य अणु एक दूसरे से टकराते हैं। इनके टकराने से पैदा हुई आवाज़ को गरजना कहते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।